हेलो, थैंक यू सो मच शिवांगी। अगे हम मिले के भी सिखाते हुए बट आज आप यहाँ पे एक रियल पिक्चर देखने वाले हो। कोई भी मैनिपुलेटिव नहीं, जैसा हूँ वैसा दिखता हूँ, जैसा खेलता हूँ गाड़ियां दिखाकर, लग्जरी लाइफ दिखाकर अपने पास बुलाता हूँ। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग मेरे ही कॉम्पिटिटर के भेजना चाहूंगा। ये मेरा इंडिकेशन है उन सभी लोगों को जो कभी मेरे पास थे, आज मेरे खिलाफ और मार्केट के माथे बनने की कोशिश कर रहे हो। तो आज भी मेरे पास एक दाव है जो उनको कभी नहीं सिखाया मैंने। एंड दैट इज द क्लियर पिक्चर, क्लियर इंडिकेशन कि मैं आ गया हूँ मार्केट में। उसके बाद 17 में बिल्कुल छोड़ दिया था कि एक आदमी के पीछे उसको बढ़ाना है, तो मैं अपने आप को पीछे रख के उसको आगे बढ़ा दिया। आज वो आगे निकल गया और मैं पीछे रह गया। लेकिन एक चीज हमेशा मैंने लाइफ में मार्केट से हमेशा सीखी कि कोई आगे कोई पीछे नहीं, जिसके पीछे दुनिया है रियल में वो आगे है। आप लोगों मैं इसलिए आगे बढ़ गया, मेरे पीछे मेरे फादर का हैंड है और उनका इतना प्योर सपोर्ट है कि बेटा कुछ भी कर, लेकिन इस बार लूजर बन के नहीं आना। जिस आदमी बहुत आदमी लीडर तो है नहीं है, लेकिन इस बार मेरे फादर देखना चाहते हैं कि बेटा आई वॉन्ट टू सी योर फेस इन अ विनर लिस्ट। सर, जैसा आप देख रहे हो मार्केट में ना, एक इन्फ्लुएंसर जो है, इन्फ्लुएंसर का काम क्या है कि लोगों को जागरूक करना है। लेकिन क्या हो रहा है आजकल, इन्फ्लुएंसर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखा के या बड़े बड़े सपने दिखा के लोगों को, ऐसे लोगों को जो स्मॉल टाउन मेंटलिटी वाले होते हैं या थोड़े लो प्रोफाइल वाले लोग होते हैं, उनको ये लोग क्या करते हैं कि अपने जाल में ट्रैपिंग में फंसाते हैं। मैं इस मार्केट में 14 साल से हूँ, मैंने बहुत लोगों को ट्रेनिंग दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दिया है, उनको आगे बढ़ने में भी मदद की है। क्योंकि मैं एक चीज़ जानता हूँ, विदाउट मेंटर कोई आदमी अपने पूरी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, मेरी टीम ने बोला सर जैसे आप लोगों ने हमें साथ सपोर्ट किया, ऐसे आप पूरी मार्केट में ऐसे चुनिंदा 400 लोग ढूंढो जो 400 लोग आगे 40,000 लोगों को ट्रेन कर सके। तो मैंने अपने जैसे 400 लोगों में से 40 लोग ढूंढने के निकाले जो मार्केट में लोगों को सही तरीके से जागरूक करें और लोगों को समझाएँ कि एक फाइनेंस की उसकी लाइफ में क्या रोल है। क्योंकि हर आदमी की लाइफ में एक बार पैसा जरूर उसके पास आता है, लेकिन उस पैसे का सही इस्तेमाल करना उसको नहीं आता, जिसकी वजह से वो क्या होता है, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो स्कैमस्टर और फ्रॉड्स की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। ये वो सटीक तरीका मैं आप उन लोगों को बताऊंगा कि एक एक पैसे की क्या पावर है और पैसे की क्या इंपॉर्टेंस है उसकी लाइफ में। तो ये उसको अगर समझ में आ गया तो लाइफ में दोबारा वो किसी इन्फ्लुएंसर किसी इन्फ्लुएंसर के बहकावे में कभी नहीं आएगा। और मैं यही चाहता हूं कि जो स्टॉक मार्केट आज है, कल है, अगले 100 साल तक भी रहेगा, ये चीज़ उसको समझनी पड़ेगी कि भैया पैसा कमाने के लिए तुझे जल्दबाजी नहीं करनी, यू नीड टू लर्न इट लॉट ऑफ थिंग्स। पहले वो समझेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यही सब सिखाने के लिए मैंने मार्केट यात्रा का पूरा प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसमें मैं लोगों को बताऊँगा कि एक्चुअल में मार्केट की क्या लैंग्वेज होती है, ट्रेडर की क्या लैंग्वेज होती है, मीडिया की क्या लैंग्वेज होती है, कैसे इन लोगों को अपने इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए, एक स्मॉल टाउन मेंटलिटी वाले लोगों को ऐसी क्या चीज़ सोचकर मार्केट में आना चाहिए जिससे आगे जाके
वो मार्केट में लालच का शिकार ना बने और अपनी इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ा सके। साथ ही सर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, हम बहुत सारी ऐड देखते हैं म्यूचुअल फंड सही है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा जैसे लोग जो है इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, कितना सही है सर? क्योंकि हाल ही में दो प्रॉब्लम्स उसमें देखने मिली हमें, अगर आप उस बारे में कुछ शेयर करें। देखो सर, मैंने आपको जो प्रॉब्लम हाल ही में देखने को मिली है, इसको मैंने 6 महीने पहले प्रिडिक्शन किया हुआ है और मेरे YouTube पे बहुत लोगों ने मुझे गालियाँ भी दी इसके चक्कर में, पोक भी किया, ट्रोल भी किया, हाउ यू कैन से दैट द लॉट ऑफ स्कैम्स रनिंग इन द म्यूचुअल फंड। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस टाइप ऑफ थिंग्स, बिकॉज म्यूचुअल फंड एक्चुअल में जो हम लोगों को दिखाया जाता है सही नहीं है, जबकि ये बोला जाता है म्यूचुअल फंड सही है। कभी ध्यान से लॉजिक लगाकर एक बात सोचो आप लोग, जब भी मार्केट गिरता है तभी वो ऐड क्यों आता है? ताकि लोग घबराकर मार्केट से बाहर हो जाएं और ये पैसा एक ऐसे फंड मैनेजर के पास चला जाए जो कि मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए या मार्केट को सर्वाइव एक लेवल स्थिर पर रखने के लिए उसका इस्तेमाल कर सके। म्यूचुअल फंड में वही आदमी को जाना चाहिए जिसके पास बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नॉलेज नहीं ले सकते, आप नॉलेज ले सकते हो। जो काम म्यूचुअल फंड का मैनेजर आपके लिए कर रहा है वो काम तो आप 30 डेज में, हद मार के 60 डेज में आप सीख भी सकते हो, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है, कम से कम सैटरडे संडे लगाओ, 6 महीने लगाओ, ताकि आपको ऐसे फंड मैनेजर की कभी ज़रूरत ना पड़े और आप अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी भी दूसरे आदमी के हवाले ना छोड़ो। आज ये जो म्यूचुअल फंड का जो पूरा स्कैम लोगों बाहर निकल के आया है, म्यूचुअल फंड में ऐसे बहुत लूपहोल्स हैं। पहला लूपहोल्स, आपको जो NAV दिखाई जाती है और जो स्टॉक्स आप लोगों को, बहुत ये रेयरली लोगों को पता है, क्योंकि मैं सिस्टम से बाहर निकला हूँ तो मुझे ये चीज़ पता है जी। पहले क्या होता था कि लार्ज कैप के अमाउंट को, लार्ज कैप की सिप को स्मॉल कैप और मिड कैप में शिफ्ट कर दिया जाता था, बट रिसेंटली थैंक्स टू SEBI कि उन्होंने ऐसा एक सिस्टम बनाया कि लार्ज कैप के पैसे लार्ज कैप में ही लगाए जाएंगे, स्मॉल कैप के पैसे स्मॉल कैप में ही लगाए जाएंगे। इतना परसेंट कोई आदमी रिस्क लेना चाहता है तो उसका रिस्क कैपेसिटी जो होगी वो पर्टिकुलर इस सेगमेंट में लगेगी, इतना रिस्क इसका इस सेगमेंट में। तो SEBI ने डिसाइड किया कि हम नॉर्मल जो इन्वेस्टर है जिनको नॉलेज नहीं है उनको प्रोटेक्ट कैसे करें। तो ऐसे बहुत लूपहोल्स हैं मार्केट में कि आप अपना NAV देख पा रहे हैं, ट्रैक कर पा रहे हैं, NAV के बाद आपको ये नहीं पता कौन सा स्टॉक किस प्राइस पे लिया गया है, उसका एंट्री प्राइस नहीं पता, एग्जिट प्राइस नहीं पता, एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपने जो NAV आज रात को पेमेंट की है आपको कैसे पता कि वो कल सुबह ही आपका स्टॉक उसमें प्लस हो जाएगा, NAV प्लस हो जाएगी। आपने 10 बजे की हैं तो वो 10 बजे के बाद मार्केट का काम है तो 10:30 बजे ही आपके पास आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कई बार मैंने देखा है म्यूचुअल फंड में कि वो नेक्स्ट डे अपडेट होता है। तो ऐसे बहुत लूपहोल्स हैं जिनको हम लोगों को समझना पड़ेगा ताकि आगे हम इस स्कैम में ना फंसे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ म्यूचुअल फंड सही नहीं है, लेकिन अभी सही नहीं है। जिन लोगों के पास नॉलेज है वो म्यूचुअल फंड की तरफ मत जाओ, अगर कुछ करना है तो गो फॉर द इन्वेस्टमेंट विद प्रॉपर नॉलेज। आप टाटा ग्रुप में जाओ, अच्छा ग्रुप है, टाटा ग्रुप में जाओ, बिरला ग्रुप में जाओ, जो लोग नामी जानी हैं, पिछले 100 साल से बिजनेस कर रहे हैं, 50 साल से बिजनेस, उनकी तरफ जाओ ना, उनके हर सेगमेंट में पैसा लगाओ, इन्वेस्ट ऑन योर कंट्री, आप इंडिया पे इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड की तरफ क्यों जाओ, सिंपल। सर इसके अलावा और एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, आपने इन्फ्लुएंसर की बात की, जब इलेक्शंस के पहले का दौर था तब जो है एक रील और हमेशा दिखाया जाता था कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करो बीजेपी जीतने के बाद बहुत बड़ा फायदा होगा, उस बारे में आप अगर कुछ शेयर करना। देखो ये क्या सही में बीजेपी जीतने के बाद कौन से स्टॉक में फायदा हुआ है? यस, यही हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे एक पार्ट कि मोदी जी के आने के बाद बीजेपी सरकार में लोगों के अंदर एक अलग तरीके की जागरूकता पैदा हुई कि इंडिया में डेवलपमेंट होगा, जो कि उन्होंने कर भी दिखाया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो 2 टर्म में इन्होंने काम किया है उसका 20 टाइम्स 3rd टर्म में काम होगा, क्योंकि पहला हर चीज़ ठीक करने के लिए पहले बेस लेवल पे कुछ चीज़ें ठीक करी जाती हैं। जब आप बेस लेवल से काम करोगे ना तो चीज़ें दिखती नहीं हैं, लेकिन जब वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होके ऊपर की तरफ आती हैं तो वो चीज़ें दिखती हैं। तो 3rd लेवल में जब मार्केट में मोदी सरकार मार्केट में काम करने के लिए सहयोग देगी तो आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट में मिलेंगी। देखो हमारे रेलवे में कितना सुधार हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना सुधार हो गया, आप हमारे हाईवे जाके देखो, पहले हाईवे की क्या हालत थी अब क्या हालत है। नितिन गडकरी जी ने
कितना अच्छा काम कर रखा है। देखो रेलवे मिनिस्ट्री में बहुत अच्छा काम हो रहा है, हर गांव तक ये रेल पहुंचाने वाले हैं, 5,000 किलोमीटर इस पूरे सेशन में ये लोग कवर करने वाले हैं और 20,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे भी ये लोग कवर करेंगे। आप सोचो अगर इसके साथ कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, उसके साथ बहुत सारी कंपनियां ग्रो भी होंगी जो इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगी। एनबीएफसी कंपनीज हैं, आप देखो आईआरसीटीसी जैसे ऐसी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां आईआरएफसी, ठीक है, रेलवे से जुड़ी हुई बहुत सारी कंपनियां, कौन कौन है ना, कितना बिजनेस जुड़ा हुआ है हमारा, रेलवे से ट्रांसपोर्ट का भी बिज़नेस जुड़ा हुआ है, पैसेंजर का भी बिज़नेस जुड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ें ना लोगों को एक ईजी टू टूल है। देखो आप स्मॉल मतलब हम लोग गाँव से आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, रेल का सहारा लेते हैं। अगर रेल नहीं होंगी तो हम जाएंगे कैसे, हमारे पास पैसे ही नहीं है व्हीकल के। तो ये क्या कर रही है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यही तो कर रही है। गवर्नमेंट आप लोगों के लिए सब वो चीज़ कर रही है जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, लेकिन आपको वो इसलिए समझ में नहीं आ रहा, हमारा ग्राउंड लेवल का जो रियलिटी है बॉटम लेवल वो तो बहुत ख़राब था, तो मोदी सरकार ने उस बॉटम लेवल को बहुत अच्छा किया है। तो मैं सभी लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप सपोर्ट करो सरकार को, जो आपको सहयोग दे सिंप्लिसिटी से जीने में, आपकी हेल्प करे, आपको हर वो चीज़ प्रोवाइड करे जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।